हेलो स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक नई क्लास होगी, एक्सरसाइज 2.1, क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ। देखो ध्यान से देखना, हम पढ़ रहे हैं जीरो लेवल बेसिक मैथ, एकदम जीरो से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, टेंशन नहीं लेना, बस रेगुलर क्लास देखना है, आपको मैथ आने लगेगा। एक हफ्ता के अंदर आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। इसके लिए आप PVR स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करें। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 2 - 3/5, कह रहा कि हल कीजिए। क्लास सेवन्थ की अगर आपके पास बुक है NCERT वाली, तो आप उसमें देखो, चाहे हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम होगा तो इसमें सॉल्व इट वगैरह जो भी कुछ लिखा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन ये नंबर ऐसे ही होंगे। इसके बाद क्या करोगे इसमें, देखो ध्यान दो, 2 - 3/5 ना, ये फ्रैक्शन है यानी भिन्न है। दो में से ये सीधा सीधा तो घटेगा नहीं, आप जानते हो भिन्न में किसी भी संख्या के नीचे 1 आप इसे हमेशा छुपा हुआ समझ सकते हो या लिख सकते हो। अब ये 2/1 हो गया, -3/5 हो गया। जब भिन्न के हर असमान हो तब हल करने का मैंने आपको दो तरीका बताया था। एक आपको बताया था LCM विधि बताया था, एक आपको बताया था क्रॉस मल्टीपल। तो चलो मैं क्रॉस मल्टीपल कर लेता हूँ। 5 का 2 में करोगे तो ये 5 × 10, बीच में माइनस था माइनस। 1 का 3 में करोगे तो ये 3, बीच में चिन्ह जो था वही लगा दिया बड़ी लाइन। 1 का 5 में करोगे तो 5। इसके बाद क्या होगा, 10 में से 3 घटाओगे 7, और नीचे 5 का 5 हो गया ख़त्म। मतलब आंसर आ गया 7/5। इस तरह से ये भी है, सेम टू सेम है। इसके नीचे 1 छिपाओ, बीच में प्लस है तो इसमें जुड़ेगा, उसमें घटा था। 8 का गुणा करो, 4 में 8 = 32, बीच में धन का धन, 7 का 1 में करो तो 7, 8 का 1 में करो तो 8, 32 में 7 जोड़ दो, 32 × 7 = 39, नीचे 8 था ये 8। देखो अब इसे आप काटो, मतलब सॉल्व करो, लेकिन ये सॉल्व होगा नहीं। हाँ एक बात है, अगर नीचे वाली गिनती छोटी है ऊपर वाली बड़ी है, यानी हर छोटा अंश बड़ा है, तो इसे सही बटा में बदला जाता है, उसके लिए भाग दिया जाता है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे 7 और 5 है ना। देखो इसके लिए क्या करते हैं यार, जो ऊपर वाला नंबर है उसमें इससे नीचे वाले नंबर से भाग करते हैं, तो 5 * 5 घटाओगे 2 आएगा। उसके बाद जो ऊपर जाता है उसे ऐसे लिखते हैं 1 सही, और जो शेषफल आया है वो 2 ऊपर जाएगा, जिससे भाग दिए वो नीचे आएगा। यानी 1 सही 2/5 इसे ऐसे बोलेंगे हिंदी में, 1 सही 2/5, 5 × 5 = 7/5। तो इसका जो रियल में आंसर होगा वो 1 × 2/5 लिखा जाएगा, ये शुद्ध माना जाता है। बाकी ये भी ठीक है, लेकिन ये काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। 99% ये सही है, 99 ये सही है, ठीक है। इसको भी वैसे ही करना होगा, इसे मिश्र फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब जिसमें पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। तो इसमें भी वैसे करेंगे, 39 में आप भाग कर लो किससे, 8 से कर लो, 8 × 32, 8 × 5 = 40, 4 बार जाएगा, 32 घटाओगे तो 7 आएगा, है ना। 4 सही 7/8 कितना आएगा, 4 सही 7/8 इसका आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाओगे तो कहीं भी कर ले जाओगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो कर ले जाओगे। मैं दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ, चूँकि इसमें बहुत से स्टूडेंट प्रीमियम क्लास लिए हैं तो उन्हें 100% आना चाहिए। देखो इसमें क्या है, हम यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा रहे हैं, ध्यान से देखो समझते जाओ। 5 और 7 का LCM लोगे, LCM आप खुद से समझोगे, उसके लिए मुझे नहीं बताना है, क्योंकि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ 7, 5 का LCM 35 होगा। अब LCM में भाग करोगे पहली भिन्न के हर से, मतलब 35 में 5 से भाग करोगे, भाग करके देख लो, 35 में 5 का भाग करोगे तो 5 × 7 = 35, 7 आएगा। उस 7 का गुणा इस 3 में करोगे, मतलब पहले दिए गए जो भी LCM है उसमें पहली भिन्न के हर से भाग करोगे, जो भागफल आएगा उसका इसमें से अंश में गुणा करोगे। मतलब 7 जो आया 5 से भाग करने पर 35 में, उसका 3 में गुणा करोगे तो 7 * 3 = 21, ठीक। बीच में प्लस का साइन था, प्लस लगाओगे। अब उसी 35 में 7 का भाग करो तो 7 + 5 = 35, 5 आएगा। अब उस 5 का गुणा 2 में करो तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 2 = 10। नीचे अब 21 में 10 जोड़ लो, 31, और नीचे था 35, ये 35 हो गया। इस तरह से आपका ये भी आंसर हो गया। आप इसमें जो भी क्वेश्चन मतलब शेष बचेंगे उसे खुद से करना, चूँकि अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये क्वेश्चन आप घर से करोगे, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है। देखो इसको देख के आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी, तो मैं एक और बता देता हूँ इसी में। जो ये मिश्र भिन्न के रूप में दिए गए हैं, इनका क्या करते हैं, जो नीचे संख्या इसका इसमें गुणा करते हैं, 2 × 8 = 16, और ये जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 17/2 -
आठ त्रिक 24, 24 पाँच 29, 29/8, मतलब ये इस रूप में हो गया। अब आपको क्या करना है, इसी को हल करना है, समझ गए ना, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है जैसे ऊपर मैंने सिखाया था। जो तीन पद वाला, इसमें भी ऐसे ही करोगे सेम टू सेम? नहीं आएगा तब कमेंट करके बताना, वैसे मैंने इसे अगले क्वेश्चन में बता भी दिया अगले वीडियो में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका एक्सरसाइज 2.1 का ये पहला का सारे पार्ट पूरा हो चुके हैं। दूसरा कह रहा है अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जानते हो? अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए इसे ध्यान से देखना और पूरा एंड तक देखना। अवरोही क्रम में पहला क्वेश्चन है, जैसे इसको मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में बता दूं जो नहीं जानते हैं। जैसे नंबर लिखा गया है 1, 2, 5, 3, 7 और यहाँ पर मान लो 6। हाँ ये नंबर लिखा गया, ये किसी भी क्रम में नहीं है। तो अवरोही क्रम में अगर इसे लिखोगे, मैं पहले बेसिक एकदम जीरो लेवल से बताता हूँ। तो पहले सबसे बड़ी संख्या लिखोगे, इन सातों संख्या में सबसे बड़ी जो है वो है 7। फिर उससे छोटी, इसके नीचे ग्राफ लगा दो जिससे दोबारा ना लिखो। फिर ये है 6। फिर इससे छोटी ये है 5। अब फिर इससे छोटी ये 3, और फिर इससे छोटी 2, और फिर ये 1। ठीक, ये हो गया अवरोही क्रम जिसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं फ्रैक्शन वाला। देखो इसमें तो आप देख करके बड़ी आराम से समझ गए कि भैया सबसे बड़ी 7 है, उससे बड़ी 6 है, उससे बड़ा 3 है। लेकिन जो भिन्न वाला होता है उसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना कि कौन सी फ्रैक्शन किससे बड़ी है, ये इतनी जल्दी से समझ में नहीं आता है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें देख लो, इसको भी अवरोही में लिखना है 2/9 और ये है 2/3 और ये है 8/21। इसमें देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप सोच में पड़ गए होंगे। देखिए देखिए इसमें बड़ी छोटी भिन्न समझने का तरीका कई होता है, लेकिन हम आपको बेसिक बताएंगे पहले, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अगर ट्रिकी में चलें तो आप क्या करोगे, मैं छोटा सा बात बता दे रहा हूँ पहले। 3 का इसमें 2 में गुणा करो तो 3 दूना कितना होगा, 6, है ना, समझते जाना। 3 का 2 में किया तो 6, 9 का 2 में किया तो 18। अब ये देखो दोनों में कौन बड़ा है, ये 18 बड़ा है ना, यानी 9 का 2 में गुणा करने पे कौन सा बड़ा आया था, 18। इसका मतलब कौन सी भिन्न बड़ी है, इसमें क्या है, इसमें ये 18 बड़ा आ रहा है ना, 18 बड़ा आ रहा है, यानी किस भिन्न का हर बड़ा हो रहा है, 9 दूना 18, बीच वाली भिन्न का हर बड़ा हो रहा है ना, और अंश बड़ा हो रहा है। अगर हर की बात करें तो 9 त्रिक 27, दोनों का हर बराबर आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। इसका मतलब ये भिन्न सबसे बड़ी है, ये छोटी है, इसको मैंने कोई भी इसके साथ कोई तुलना नहीं किया, केवल इन दोनों में ये बड़ी है ये छोटी है। अब इसका दोनों कर लो, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिक ये है कि आप 9, 3 और 21 सबका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम मैंने निकाल लिया, एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 63। आप एलसीएम खुद से निकाल लो, आपको लासा निकालना आता है, 63 आया ना। अब क्या करोगे, उस एलसीएम में यानी कि 63 में पहली भिन्न के हर से भाग करोगे, मतलब 9 से भाग करोगे 63 में, तो 9 × 7 = 63 कितना आएगा, 7। जो 7 आया उसका गुणा पहली भिन्न के अंश में करोगे तो 7 दूना ये हो जाएगा 14। बाकी ऐसे कामा लगाते जाओ भाई। हर जो आया था, मतलब हर का एलसीएम, वो सबके लिए आया था, तो पहला वाले भिन्न के लिए हो गया, दूसरे वाले के नीचे फिर से 63 लिखो, ऐसे तीसरे वाले के नीचे भी 63 लिखोगे, क्योंकि हमें सभी तीनों का हल करना है। अब दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाली भिन्न के हर से एलसीएम में भाग करो, 3 से भाग करो 63 में, तो 21 आएगा। भाग देना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो और बेसिक सीखो, ठीक है। 3 से 63 में भाग करोगे 21 आएगा, 21 का 2 में गुणा करोगे तो 21 दूना कितना आएगा, 42। ये दूसरा हो गया, इसमें आ जाओ 21 से भाग करो किस में, 63 में, तो 3 आएगा, 3 का 8 में गुणा करो 3 × 8 = 24 आएगा। अब आप समझ गए होंगे, 14 रुपये है 63 लोग को बांटना है, 42 रुपये है 63 लोग को बांटना है, 24 रुपये है 63 लोग को बांटना है। देखो भैया लेने वाले सब में बराबर हैं, लेकिन रुपया जब ज़्यादा रहेगी तभी तो सबको ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा ना, तो सबसे ज़्यादा किस में है, 42 में ना, यानी नंबर एक पे सबसे बड़ी भिन्न ये हो गई, 24 वाली नंबर दो पे ये है और नंबर तीन पे ये है। मतलब इसके आगे एक मुखौटा लगा था एक प्रकार से, उसे आप हटा चुके हो, अब आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सबसे बड़ी है। अब अगर बात करें इसको अवरोही क्रम में लिखने की, तो सबसे बड़ी भिन्न जो है उसका जो मूल संख्या थी उसे सबसे पहले लिखोगे,
इसमें सबसे बड़ी भिन्न देखो बीच वाला है, ये आया कहाँ से था, मूल संख्या 2/3 थी, तो ये 2/3 पहले लिखोगे, ये 3 है ठीक है, 2/3। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा था, 24/63 वाला, ये इसका था 8/21 का। तीसरा नंबर पे 14/63 है, ये 2/9 का था, यानी कि आप इसका कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ चुके हो, 2/3, 8/21 और 9/9, ये हो गया अवरोही क्रम इस तीनों दी हुई भिन्नों का। समझ गए, तो इसको फट से लिख लो, इसी तरह से आप और सारे क्वेश्चन करोगे। इसको भी वैसे ही कर लेना, देखो इसमें मैं ट्रिकी कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, इन सभी भिन्नों में कौन सबसे बड़ा है ये जानने के लिए क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीपल करो, 7 × 7 और कितना आया देखो, 7 × 7 मतलब ये कितना हो गया, इसका मान 7 हो गया, 5 × 3 = 15, इसका मान 15 लिखो, देखो समझते चलो कौन सबसे बड़ी है। अब अगर इन दोनों भिन्नों में बात करें तो देखो 15 इसका आया नहीं, मतलब ये बीच वाली भिन्न बड़ी है। अब इन दोनों में देख लो, चलो गुणा करते हैं, 10 × 3 कितना होगा, 30 यहाँ लिखो, और 7 × 7 = 49, मतलब 49 इसका आया, इसका कितना आया था, 30 आया था ना। तो अगर इन दोनों में बात करें तो ये बड़ी है, और अगर इन दोनों में बात करें तो ये बड़ी है, यानी अब आप समझ गए होंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। चलो इसको भी देख लेते हैं, अगली वाली भी, वैसे आप समझ गए होंगे अगली वाली देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इन दोनों में जब ये बीच वाली बड़ी है और भैया इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं तो इससे ये बड़ी है, इसका मतलब ये सबसे छोटी हुई ना, क्योंकि ये बीच वाली थी इससे पहले से बड़ी थी, लेकिन बीच वाली से भी बड़ी ये निकली, मतलब नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पर ये है, नंबर 3 पर ये है। तो इसे अगर अवरोही क्रम में लिखोगे तो अवरोही क्रम में 7/10 सबसे पहले, 3/7 दूसरे पे, और 1/5 तीसरे पे, ये हो गया आपका सभी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर। बात समझ गए तो जल्दी से लिख लो फटाफट, ये भी आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, नोट कर लो फटाफट, ये क्वेश्चन आप होमवर्क करना, इसे देखो, इसे आप होमवर्क करना खुद से, और वही क्रम में लिखना कौन बड़ा है बताना तीनों में, जल्दी से नोट कर लो, तुरंत देर ना करो, जल्दी से बहुत जल्दी से, हो गया। देखो आपके कमेंट नहीं पढ़े जा रहे हैं क्योंकि कमेंट पढ़ने बहुत टाइम लगता है, और आपके कमेंट को लिख करके उत्तर मिलेगा, अगर यूट्यूब पे देखोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा लिख करके, लेकिन बोल करके हम क्लास में नहीं बोलेंगे, किसी का नाम नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप लोग लड़ाई करते हो कि भैया मेरा नाम नहीं बोल रहे हो, उनका काया बोल रहे हो। साथियों ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया था, चौथा क्वेश्चन देखो, कह रहा कि एक आयताकार कागज़ की लंबाई 12 × 1/2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 × 2/3 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा कागज़ का परिमाप क्या होगा। परिमाप को हिंदी में परिमाप, इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। किसी भी आकृति का परिमाप उसके चारों भुजाओं के जोड़ को कहते हैं, ठीक है। तो भैया आयताकार कागज़ का मतलब ये जो आप देख रहे हो, मान लो इसे थोड़ा मैं और छोटा कर देता हूँ, तब भी देखो ये आयत आकार का ही होगा, आयत आकार का होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये पूरा दिख रहा है ना आपको, ये एक आयत आकार का कागज़ हो गया। अब इसकी लंबाई मतलब ये जो साइड है वो कितना है, 12 × 1/2 सेंटीमीटर है, और इसकी चौड़ाई मतलब ये है 10 × 3/2 सेंटीमीटर। परिमाप पूछ रहा है, आपको दोनों को जोड़ देना है, लंबाई धन चौड़ाई दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा। नहीं, दो बार लंबाई शामिल होती है ना, देखो चौड़ाई दो बार भी शामिल है, एक बार इधर चौड़ाई एक बार इधर है, एक बार इधर लंबाई एक बार इधर, तो परिमाप निकालोगे तो लंबाई को दो बार जोड़ोगे चौड़ाई को भी दो जोड़ोगे, तो इसका जो सूत्र बनता है 2 × L + B, आप कह सकते हो कि आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई धन चौड़ाई होता है। आप इस तरह से दोनों को जोड़ दोगे, लंबाई में लंबाई का मान रख दोगे, चौड़ाई पर चौड़ाई का, परिमाप आ जाएगा। कॉन्सेप्ट इतना ही था इसमें, बाकी कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन इसमें देखो ध्यान से क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया, तो पूछा है कि सेब का कितना भाग सोमू ने खाया। देखो सिंपल सी बात है, पहले सेब का 3/5 भाग कौन खाया, रितु ने, और उसका शेष जो भाग था उसके भाई सोमू ने खाया, तो सेब का कितना भाग सोमू ने खाया। देखो सेब तो एक ही था, तो भैया 1 में से इसको घटा लो पूरे को, ठीक है, 1 में से घटा लो, 5 × 5 और ये 3 × 3, तो कितना हो जाएगा, 5 − 3 2/5, कितना आएगा 2/5। लेकिन आपको इससे नहीं मतलब है, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, सेब कितना था, एक था, एक का 3/5 भाग कौन खाया था, रितु ने खाया था, तो 1 − 3/5 करोगे, बस यही आपको हल करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह का आपका अगला भी क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी कॉन्सेप्ट पर हैं, एक दूसरे में से घटाना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है, हो गई बात पक्की, जल्दी से लिख लो।
तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब कोई दूसरी मतलब विधि नहीं बतानी है। आपका एक्सरसाइज 2.1 जो था खत्म हो चुका है। अब 2.2 हम अगली क्लास में देखेंगे, उस क्लास को ज़रूर देखना इसी के बाद नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप 10-15 मिनट की क्लास हर दिन यूट्यूब पे इस समय PVR स्टडी प्रयागराज चैनल पे देख रहे हैं, फेसबुक पर भी देख रहे हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ पूरी कंप्लीट बेसिक मैथ आपको मिल जाए तो इसके लिए आपको हमारी प्रीमियम क्लास लेना होगा। ज्वाइन प्रीमियम लिख करके इन दोनों नंबर में से आप किसी पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट क्लास एक साथ प्रोवाइड किया जाएगा जिसे आप 30 से 90 दिन में पूरा कंप्लीट NCERT मैथ सीख सकते हैं घर बैठे। अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें। यूट्यूब पर PVR स्टडी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और आप ऐसे छोटी छोटी हर एक क्लास को हर दिन देखते रहें। लेकिन इस तरह से आपको इकट्ठा क्लास नहीं मिलेगी, लेकिन एक एक क्लास तो आप देख ही सकते हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद।